हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी ऑनलाइन में। और एक बहुत बड़ी खबर मैं आपके लेकर खुशखबरी लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि यूपी ईटीसी टीपीटी टीचर्स की जितनी भी रिक्रूटमेंट होने वाली हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले आपके लेके आऊँगा। तो आज बहुत बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, अभी इन्होंने जो 8 मार्च 9 मार्च 2019 को संपन्न कराई थी परीक्षा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा 2016 जो संपन्न कराई थी, विभिन्न विषयों की परीक्षा हुई थी और उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर लोड कर दी है। बोर्ड की वेबसाइट जो है www.upsessb.org पर अपलोड कर दी गई है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट से अपलोड करके किस तरह से अपना पेपर चेक कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कितने सब्जेक्ट्स की आंसर की आज जो है अपलोड की गई है। तो 16 सब्जेक्ट्स के जो एग्ज़ाम थे वो 8 मार्च और 9 मार्च 2019 को हुए थे। ये फरवरी 2016 वाला जो विज्ञापन था, ये जो परीक्षा हुई थी, तो उसमें 8 मार्च और 9 मार्च 2019 को एग्ज़ाम हुए थे। 16 विषय, इनमें पहला हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत गायन, संगीत वादन, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा और सिलाई और बंगला। ये 16 विषयों की आंसर की आपके वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड करके अपने सारे आंसर चेक कर सकते हो, और जो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वो भी कैसे अपने आंसर चेक कर सकते हैं। दोनों का सॉल्यूशन मैं आपको अभी अगले 2 मिनट में देने वाला हूँ, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे इसके लिए आप फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। तो लिखित परीक्षा की सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ये लेटर आज अभी 28 मार्च को भी जारी हुआ है कुछ देर पहले। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी अपनी बुकलेट सीरीज के अनुसार उत्तर माला का मिलान कर लें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है। और ये भी इसमें बताया गया है किस तरह से इन क्वेश्चन से आपको ऑब्जेक्शन है साइंस में, किसी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि जो आयोग ने आंसर दिया है वो गलत है और मेरा आंसर सही है, तो किस तरह से आप ऑब्जेक्शन करोगे उसकी प्रोसेस भी यहाँ पर बताई गई है। तो यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, तो साक्ष्य सहित इस विज्ञप्ति के 1 सप्ताह के अंदर, यानी 27 मार्च से 19 से लेकर 3 अप्रैल 2019 तक चयन बोर्ड कार्यालय की यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है, upssab@gmail.com पर उपलब्ध करा दें। मतलब यहाँ पे आपको मेल करना होगा क्वेश्चन नंबर और उसका जो प्रूफ है वो आपको मेल करना होगा, तो आपका ऑब्जेक्शन वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। मैं इसके बारे में डिटेल में भी आपको बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चन मैंने ही बताए थे ये साइंस टीजीटी की आंसर की में गलत है और आपको इन पे ऑब्जेक्शन करना है। अगर आपको फायदा हो रहा है तो ऑब्जेक्शन आप जरूर करिएगा। अभ्यर्थी कुल, तो ऑब्जेक्शन कैसे करना समझ में आ गया, वो 27 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आपको ऑब्जेक्शन करना है, विद प्रूफ आपको वहाँ पे भेजना है। अब उससे पहले कि ऑब्जेक्शन तो बाद में करेंगे, पहले देख लें यार हमारे आंसर सही है या गलत है। अगर हमारे आंसर सही होते हैं ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको लगता है ऑब्जेक्शन से नुकसान हो सकता है तो ऑब्जेक्शन ना करें, ठीक है। तो अभ्यर्थी केवल उपयुक्त ईमेल आईडी के माध्यम से ही अपने पत्र, जिसमें आप जो अब लेटर वहाँ पे ईमेल करोगे उसमें अपनी विज्ञापन संख्या लिखोगे, अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, विषय, बुकलेट सीरीज ये सब अंकित करेंगे, उसके साथ आपत्ति सुस्पष्ट पठनीय साक्ष्य सहित, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ में कन्वर्ट करके, नहीं आता तो मैं बता दूंगा, कन्वर्ट करके आपको वहां पे भेजना है। उपयुक्त ईमेल आईडी के अतिरिक्त अन्य किसी ईमेल आईडी या किसी माध्यम से भेजी गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। ईमेल से भेजे गए पत्र में विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, विषय, बुकलेट सीरीज अंकित नहीं होने पर भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, और निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो पहले तो आप www.upsessb.org से आप आंसर की डाउनलोड करके फटाक से अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में आपने अपियर हुए हैं। तो अब जो TGT साइंस, जिसके लिए मैं स्पेशली वर्क कर रहा हूँ साइंस के लिए, तो TGT इस साइंस, TGT PGT केमिस्ट्री हो या TGT साइंस में मेरा स्पेशल फोकस है, तो इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो डाउनलोड नहीं भी कर पा रहे हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पर भी आंसर की अवेलेबल करा रहा हूँ। तो ये आंसर की मैंने प्रिंट आउट लेके यहाँ पे रखी हुई है, और यहाँ पे आप इसे वीडियो को पॉज करके, जूम करके, ये ऑफिशियल आंसर की है, अपने सारे आंसर्स वहाँ पर मैच कर सकते हैं कि ये, तो ये जो दे रखी है ये TGT ये साइंस की ए, जिनकी सीरीज ए है वो इससे मिलान करने वाले हैं। मैं कुछ सेकंड को ऑडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके, जूम करके अपने आंसर्स को मैच करिए कि कितने आंसर्स आपके ठीक हैं कितने
गलत हैं। तो दिस इज द आंसर की ऑफ ए सेट। अब जिनकी आंसर की बी थी उनकी बारी आ रही है, तो इसके नीचे ये जो आंसर की सेकंड पेपर आपके सामने आ गया ये बी आंसर की है। जिनकी आंसर की बी है वो भी इसे जूम करके अपने आंसर को मैच करें और मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। ठीक है, ये इसके बाद जिनकी आंसर की जो थी वो सी आंसर की भी कुछ लोगों की रही है, तो सी आंसर की वाले यहाँ से जूम करके अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। उन्हें रुका हुआ है, इसे पॉज करके आप जूम करके मैच कर सकते हैं अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है साइट पे, बहुत मुश्किल डाउनलोड हो पा रही है, इस समय स्पीड कम आ रही है, तो आप यहाँ से भी मैच कर सकते हैं फटाफट से। जिनकी आंसर की साइंस की, केवल मैं साइंस की आंसर की शेयर कर रहा हूँ, बाकी लोग अपना डाउनलोड करके चेक कर लें। साइंस की टीजीटी डी सीरीज जिनकी है वो लोग यहाँ से अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। ये जूम करके आप मैच कर लीजिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस की बात रही, अब आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस पे, बहुत सारे क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन भी करना है, क्योंकि जो गलत हैं क्वेश्चंस आपने सही किए हैं या उन्हें गलत माना है उन्हें, तो उन पे ऑब्जेक्शन करना है। और कैसे करना है, किस तरह करना है, क्या प्रूफ भेजना है, कहाँ से प्रूफ कलेक्ट करना है, मैं हर कदम कदम पर आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और आपकी जो भी क्वेरीज हो वो आपने फटाक से कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा और बहुत जल्दी उसका आपको परफेक्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फटाक से मैच कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।